वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ साइट एग्जीक्यूशन वर्क बताने वाला हूँ कि हम लोग जो कॉन्क्रीटिंग प्रिपेयर कराते हैं, प्रिपेयर तो करा लेते हैं बट एक्चुअल साइट में हम लोग उस कॉन्क्रीट पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम लोग उस चीज में क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, लर्निंग बढ़ाना चाहिए। उसी लर्निंग को बढ़ाने के लिए सिविल गुरुजी लगातार काम कर रहा है आप लोगों के लिए। जो एक इंजीनियर जो फेस कर रहा है, एक इंजीनियर और जॉब के बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए सिविल गुरुजी लगातार काम कर रहा है। जितने भी स्किल्स हमको रिक्वायर होते हैं एक जॉब को ऑक्यूपाई करने के लिए, जैसे अगर मैं डेजिग्नेशन वाइज बोलूं तो हमारे जितने भी इंजीनियर्स है जो फ्रेशर है, जो डायरेक्टली साइट इंजीनियर का वर्क करते हैं, साइट इंजीनियरिंग में आप लोगों को पता होगा कि हम लोग को साइट एक्सिक्यूशन आना चाहिए प्रॉपरली अपने साइट का, उसके साथ साथ में ही कुछ बेसिक्स क्वांटिटी सर्वे के पार्ट भी आने चाहिए। वैसे ही अगर जैसे ही हम प्रमोट होते हैं, एक सीनियर साइट इंजीनियर बनते हैं, तो सीनियर साइट इंजीनियर के लिए मेजरमेंट लेना, जितने भी क्वालिटीज हैं, मटीरियल्स हैं, क्या क्या यूज हो रहे हैं, उन सब की क्वालिटी चेक करना, उनका क्वांटिटी सर्वे आना। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट डेजिग्नेशन की बात करते हैं वो करते हैं क्वांटिटी सर्वेयर की, जो कि एक बहुत अच्छी जॉब होती है। क्वांटिटी सर्वेयर का मेनली काम होता है एस्टीमेशन निकालना, उसके साथ साथ में हमारे जितने भी मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, चाहे मैं स्टील की बात करूं, चाहे सीमेंट की बात करूं, सैंड की बात करूं, एग्रीगेट की बात करूं, तो एक क्वांटिटी सर्वेयर के लिए एस्टीमेशन के साथ साथ में BBS, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, ये सब चीजें आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में ही जब मैं बिलिंग इंजीनियर की बात करूं तो ये तीनों पार्ट आने चाहिए। उसके साथ में जो हमारा जो फाइनल स्टेज होता है बिलिंग का, उसमें जो हम बिल बनाते हैं, आइटम वाइज बिलिंग, स्लैब रेट बिलिंग, रिकॉन्सिलेशन कैसे लेते हैं, एस्केलेशन कैसे करते हैं मटीरियल्स का, DPR कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब चीजें एक बिलिंग इंजीनियर को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके साथ साथ में सॉफ्टवेयर के भी बेसिक नॉलेज, जैसे AutoCAD में जो हम लोग सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जो रेविट आर्किटेक्चरल की हेल्प से हम लोग 3D एलिवेशन देते हैं बिल्डिंग्स को, वो कैसे दिया जाता है। थर्ड आपका ETABS, जिसमें हम लोग पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे कि बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन में हमारे कितने नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट लगना है, कितने डाया का लगना है, ये सब चीजें। उसके साथ साथ में ही MSP का सॉफ्टवेयर, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, जो कि जनरली हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करने के लिए, उसका एस्टिमेशन निकालने के लिए। तो ये जो चार इतनी सारी चीजें हैं, ये सब चीजें आप सीख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म से, और वो प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आया है सिविल गुरुजी, जिसमें आप हमारा ये जो कोर्स है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, उसके साथ में ही गुरुजी का खजाना कोर्स, दोनों ये सब कोर्सेस, ये दोनों ही कोर्स में अवेलेबल है। अगर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के प्राइस की बात करूं तो अभी जो डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है उसमें आप लोगों को ये कोर्स सिर्फ 9000 में मिलने वाला है, जिसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है गुरुजी, GURUJI। उसके साथ में ही जो हमारा गुरुजी का खजाना है उसका भी डिस्काउंटेड प्राइस आप लोगों के लिए अभी जो चल रहा है वो है 13000। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि गुरुजी के खजाना कोर्स में आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी, कैसे आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग कोर्स की हेल्प से, जितने भी मेरे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग कोर्स के लिए आप बिल्कुल जाइए। आप अपनी ग्रोथ को बहुत जल्द से जल्द बढ़ाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रेनिंग का कोर्स परचेस करिए और ये गुरुजी का कोड अप्लाई करिए ताकि आपको ये सब डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं साइट एग्जीक्यूशन में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक साइट एग्जीक्यूशन का वर्क स्टार्ट है, जहाँ पे कॉन्क्रीटिंग हो रही है हमारे स्लैब के लिए। यहाँ पे हमारे जितने भी नंबर ऑफ लेबर्स हैं, कुली है, मेसन है, ये सब जो काम कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूशन हम लोग जो साइट में जितने लेबर्स रखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दो लेबर जो है वो मटेरियल का काम कर रहे हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक जो हमारा भिस्ती जो पानी सप्लाई करने का काम करेगा उस कॉन्क्रीटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्क्रीट प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो कॉन्क्रीट बनाने वाले हैं वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के हेल्प से बनाने वाले हैं।
जिसमें जो आपको ध्यान रखना है अपने साइट में कि आपके ड्राइंग में जो स्पेसिफिकेशन दी होगी, आपको जो ग्रेड का यूज करना है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, उसके साथ में ही आपको मिक्स रेशियो भी दिया होगा कि आपको कितने का मिक्स प्रिपेयर कराना है। उस मिक्स के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे जो आप मटेरियल्स इसमें डालने वाले हैं वो उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे मैं 1:1:2 का अगर रेशियो मेंटेन करवा रहा हूँ तो मेरे को ये ध्यान रखना होगा कि अगर मैं एक बोरी सीमेंट डाल रहा हूँ जो कि आपका 50 kg का होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका 50 kg सैंड जाना चाहिए, उसके साथ में ही आपका 100 kg आपका एग्रीगेट जाना चाहिए। ये हो गया वॉल्यूम बाय वेट के अकॉर्डिंगली। और इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अगर आपके पास मिक्स डिज़ाइन हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको रेशियो मेंटेन करना होगा आप उस रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। वैसे ही अब यहाँ देख पा रहे हैं आप कि जैसे हमारा कॉन्क्रीट मिक्सर जो है वो जैसे ही मिक्स होने लगा, यहाँ जो हमारे भिस्ती जो है वो पानी का सप्लाई का काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग जब भी कॉन्क्रीट बनवाते हैं तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं, जो कि एक अच्छी अप्रोच है, बट जब एग्जीक्यूशन पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जो पानी है वो भिस्ती देखता है और जो साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर रहता है वो देखता है कि मसाला हमारा हार्ड और अच्छा बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही मिक्स प्रिपेयर हो जाता है इसको एक शीट के ऊपर, मेटल शीट के ऊपर प्लेस किया जाता है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ एक मेटल शीट नहीं है, डायरेक्टली इसको ग्राउंड में प्लेस किया जा रहा है, जिसके कारण जो हमारी सैंड है सॉइल में वो मिक्स हो जाएगी, तो हमारा जो भी कॉन्क्रीट है वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो सेफ्टी पर्पस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉन्क्रीट को प्लेस कराएंगे नीचे में आपका एक मेटल शीट हो, या आप वहाँ पे सैंड फिलिंग करवा सकते हैं और साइड में ईंटें रख सकते हैं। पूरे में ईंटें नहीं रखना है, अगर पूरे पे ईंटें रख देंगे आप लोग तो वो क्या होगा, जो कॉन्क्रीट का पानी है वो ईटा एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके कारण भी हमारी सेग्रीगेशन की प्रॉपर्टी आ सकती है, वर्केबिलिटी खराब हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को एग्जीक्यूशन के टाइम पे ध्यान रखना है कि आप जब कॉन्क्रीट को प्लेस करवाएं तो प्लेस करवाते टाइम आपकी मेटल शीट हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो मिक्सर है वो मिक्सर हमारा एक ड्रम टाइप मिक्सर है, जैसे कि यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है स्लैब कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए। यहाँ पे हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट जो है वो प्रॉपरली मिक्स किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो जेके लक्ष्मी जेके सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो जेके सीमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप साइट पर एग्जीक्यूशन कराएं तो आपको अपना सीमेंट का जो बैग है उसको चेक करना है कि वो प्रॉपर ओपीसी है कि नहीं है। ओपीसी है तो कितना उसके में वो कितने मंथ हो गए उसको मैन्युफैक्चर हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास कॉन्क्रीट के लिए हम लोग जो सीमेंट बैग्स यूज़ करते हैं वो जनरली आपका 3 months से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको उसको 3 months के अंदर अंदर में कंप्लीट करना है। क्या होता है कि जब हम लोग सीमेंट को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अगर लम्ब्स होंगे तो लम्ब्स के कारण वहाँ पे वो मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब कर लेता है उसके कारण उसमें लम्ब्स होते हैं, तो इसलिए हमको 3 months के अंदर अंदर में ही उस सीमेंट को यूज़ करना है। आप उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक करेंगे कौन से टाइप का है, कौन से ग्रेड का है, जो कि ग्रेड भी हमारा डिफाइन होता है कि सीमेंट का कौन सा ग्रेड हमको यूज़ करना है। ये सब चीज़ें जब भी हम लोग कॉन्क्रीट प्लेस करवाएंगे तो हमको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे अगर जो हमारे लेबर्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि जब भी कॉन्क्रीटिंग का वर्क हो तो हमको अपने लेबर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। सेफ्टी इन द सेंस उनके पास गम बूट्स हो, उनके पास ग्लव्स हो, उनके सर पे हेलमेट हो, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर रहता है कि हम कैसे सेफ्टी को बढ़ाते हुए अपने साइट में एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, क्योंकि ये सेफ्टी मेजर्स रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अच्छा वर्क शो करता है आपका जब आप सेफ्टी के साथ साथ अपनी क्वालिटी को चेक करते रहे और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी चेक करते रहे। यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी होगी, यहाँ जो एक ड्रम मिक्सर है वो आपका 0.2 क्यूबिक मीटर से 0.4 क्यूबिक मीटर तक का माल बनाता है एक बार में, मतलब ये कुछ 2 से 3 bags के अराउंड हुआ। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है। और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आपको बिल्कुल क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए कि आप एग्जैक्ट क्वांटिटी में अपने कॉन्क्रीट को बना सकें, जो वाटर ऐड कर रहे हैं वो कैसा बन रहा है, जो मसाला प्रिपेयर हो रहा है वो रिच हो रहा है कि नहीं, हार्ड मसाला बन रहा है कि नहीं, क्योंकि लूज मसाला अगर बनाएंगे अपन तो क्या होगा कि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल सकता है उसमें से और उसकी
प्रॉपर्टीज आ सकती है सेग्रीगेशन की। तो हमको कंक्रीट को जब भी हम प्लेस कराएंगे तो ये ध्यान रखना है कि उसमें सेग्रीगेशन की प्रॉपर्टी ना आए, और उसकी जब भी प्लेसिंग कराएंगे हम लोग ध्यान रखेंगे कि 1.5 मीटर से ज्यादा के ऊपर से हम उसकी प्लेसिंग ना कराए। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक कंक्रीट वर्क कराते टाइम जो साइट एग्जीक्यूशन में हम लोगों को क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही टॉपिक्स आप लोगों के लिए आते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहूंगा। और भी अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे, या आप विजिट कर सकते हैं www.civilguruji.com पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।